Hare Krishna. आज शास्त्र को मेरा परिचय दिया है, उसके बाद में जो भी मैं बोलूंगा वो एक एंटी क्लाइमैक्स होगा. जो है ये वैष्णव का शास्त्र, वैष्णव का सद्गुण है कि दूसरों में गुण देखते हैं. मेरे वरिष्ठ गुरु भाई है और मैं जब से नासिक में आ रहा हूँ, नासिक में कैसे है विश्व भर में कैसे प्रचार और भक्तों का संख्या बढ़ रही है, देखकर मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है. इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेरणा लेने के लिए आ रहा हूँ. और आज मैं भगवद्गीता के 3 श्लोक है 4 अध्याय में, शायद आपने उनकी चर्चा की होगी. चौथे अध्याय के श्लोक में हमारे कर्म किस तरह से हम पे प्रभाव करते हैं, तो भगवद्गीता भगवान कहते हैं कि कर्म की मकर्मेति कवयो प्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्षामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्. तो कहते हैं चौथे अध्याय में किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः. जो बुद्धिमान कवि लोग होते हैं वह भी ये समझ नहीं पाते हैं किम कर्म किम अकर्मेति. कर्म और अकर्म इस शब्द का अर्थ क्या है, शब्दों के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होते हैं. कर्म का एक सादा अर्थ हो सकता है कार्य, और अकर्म का अर्थ हो सकता है कार्य न करना. और अगर यह अर्थ देखेंगे हम तो अभी यहाँ पे कौन बिना कोई कर्म क्रिया करते हुए बैठा हुआ है और कौन कुछ क्रिया कर रहा है, हाथ मिला रहा है, कुछ फोन में देख रहा है, कुछ मेरे हाथ खेल रहा है, हम सब ये बड़े ही आसानी से देख सकते हैं. तो कौन कार्य कर रहा है कौन कार्य नहीं कर रहा है, अगर यह समझना है तो यह तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि शांत बैठा है व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है. तो जो भगवान कहते हैं कि जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भी समझ नहीं पाते हैं किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहितः, कि इसमें बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित पड़ जाते हैं. तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, कर्म और अकर्म के सरल अर्थ नहीं है कि कार्य करना कार्य न करना, कर्म और अकर्म के अलग अलग अर्थ होते हैं. यहाँ पे कर्म का अर्थ होता है कि वह कार्य जो हमें बंधन में डालते हैं, अकर्म मतलब जो कार्य हमें बंधन में नहीं डालते. अभी हम सब जब कार्य करते हैं तो हम सब कुछ हद तक हमको बुद्धि है जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे कार्य का क्या परिणाम होने वाला है. तो मान लीजिए अभी ऐसे थोड़ी बारिश है, ठंडी है आज, और ऐसे समय में कोई एक आइसक्रीम खा लेता है, 2 आइसक्रीम खा लेता है, 10 आइसक्रीम खा लेता है, तो फिर शायद अभी खाने को अच्छे लगेंगे पर कल सुबह जब उठ जाएंगे तो पूरा गला बैठ गया होगा. और फिर कई बार ऐसे सवाल आता है हमारे जीवन में कि क्या हमारे जीवन में समस्याएं आती है वो सब समस्याएं पूर्व कर्म से आती है. तो अगर मान लीजिए जिसने आज रात को 10 आइसक्रीम खाए हैं और कल सुबह उसका गला बैठ गया है तो क्या वो पूर्व कर्म के कारण है? कितने लोगों को लगता है पूर्व कर्म के कारण? हाँ, वो पूर्व रात्रि के कर्म के कारण. तो यहाँ पे हम जो कार्य करते हैं उसका फल कैसे आता है यह समझना बड़ा विचित्र है. विचित्र क्यों है? क्योंकि एक तरह से हम सब ये समझते हैं कि हम हमारे कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं. अभी कोई नास्तिक भी है जो कहता है भगवान नहीं है, और अधिकांश लोग नास्तिक होते हैं वो कहते हैं, उनका एक सवाल होता है जिसके आधार पे कहते हैं कि भगवान नहीं है. यहाँ पे दुनिया में इतनी बुरी चीजें क्यों हैं, अच्छे लोग इतनी बुरी चीजें क्यों होती है? ये एक सही का एक अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है वास्तव में, और सबको इस अपने जीवन में आता है. और पांडवों को भी यह सवाल उनके मन में आता है.
जब पांडव वन से जाते हैं तभी क्या होता है हमारे जीवन में समस्याएं जब आती है अलग अलग प्रकार से समस्याएं आ सकती है। एक प्रकार की समस्या होती है जब हमने कुछ गलती की है और उसके कारण हमारे जीवन समस्या आती है। जैसे मैंने बताया किसी ने बहुत सारी आइसक्रीम खा लिया उसका फिर गला बैठ गया तो हमने गलती की है उससे समस्या आती है। दूसरा है कि हमने बहुत थोड़ी गलती की है पर बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मान लीजिए हम छोटी से गलती करते हैं दूसरा कोई व्यक्ति है वो जिंदगी भर हमको भूलने नहीं देता है कि तुमने गलती की तुमने गलती की तुमने गलती की तुमने गलती की थी। कितना 10 साल हो गए उसको भूल जाओ पर नहीं उसको पकड़ के कुछ गलतियां होती है छोटी सी गलतियां होती है पर बहुत उसे परेशान होती है। कभी कभी ऐसे होता है हमारी कुछ गलती होती ही नहीं है फिर भी परेशानी होती है। और चौथा है जो सबसे मुश्किल है सहन करना जब हम किसी का कुछ अच्छा करने जाते हैं और उसके कारण हम समस्या में पड़ जाते हैं तो हमने कुछ गलती की है इतनी गलती की हम किसी की मदद करने के प्रयास तो जब इस तरह से होता है हम भागवत में देखते हैं अलग अलग श्रेणियां हैं ये जैसे परीक्षित महाराज जो होते हैं छोटी सी गलती होती है क्या होता है कि उन्होंने जब प्यास के कारण वो बड़े उतावले हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं किसी को पता है सांप डाल देते हैं किसके गले में छवि पृथ्वी के गले में और उसके कारण तो क्या शाप उनको क्या शाप मिल जाता है 7 दिन में मृत्यु हो जाए। अभी यह जो है कि इतना डिस्प्रोपोर्शन है मात्रा इससे कोई बिल्कुल उचित नहीं है। तो जब ऐसा होता है छोटी गलती और बड़ा उसे हमको परिणाम मिल जाता है तो इसको हम अन्याय कहते हैं। इसे क्यों ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे विपरीत हम देखते हैं यह तो बुरा है पर अगर हम भागवत में भी आ जाते हैं प्रहलाद महाराज का प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं कर रहे थे केवल अपनी भक्ति कर रहे थे और केवल उनकी भक्ति के कारण क्या हो गया उनके पिता जो हिरण्यकश्यप के बड़े क्रुद्ध हो उन्होंने हिरण्यकश्यप को कुछ बिगाड़ा नहीं हिरण्य अपना राज्य कर रहे थे वो हिरण्यकश्यप को उसके राज्य में कुछ बीच में नहीं कर रहे थे ऐसे मत करो ऐसे मत करो कुछ नहीं बता रहे वो अपनी भक्ति कर रहे थे हिरण्यकश्यप का राज्य कर रहे थे पर उनके भक्ति के कारण ही उनको परेशानी हो गई थी। अगर भक्ति छोड़ देते ऐसे कह सकते सारे परिणाम चले जाते तो अब हमारे व्यवहारिक जीवन में हम यह समझना बड़ा मुश्किल होता है भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम हमारे किस कार्य से क्या प्रतिक्रिया होगी। तो साधारणतः अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे रचना होती है और कुछ रचना नहीं होती है इसको इंग्लिश में ऑर्डर और केओस कह सकते हैं। एक आयोजन होता है और एक निरायोजित परिस्थिति बिना किसी आयोजन परिस्थिति होती है। तो जब योजना होती है उसका मतलब क्या है कि जब ऑर्डर होता है हमारे जीवन में तभी हम जो कार्य करते हैं उसका अपेक्षित फल आता है। तो जब ऐसा होता है तो हम हमारे जीवन में एक शांति अभी आप सब यहाँ पे आके बैठे हैं तो एक तरह से आप भगवद्गीता के बारे में आध्यात्म के बारे में भगवान के बारे में जानना चाहते हैं इससे यहाँ पे आए हैं। इसलिए अगर इस कमरे में आप कोई आएगा भी तो इस कमरे की रचना देखेगा कि सब कुर्सियां एक और देख रही है एक और उसके सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं मतलब यहाँ पे ये उद्देश्य क्या है यहाँ पे कुछ सुनने के लिए है और आप सबको विश्वास है कि आपके बाजू में जो व्यक्ति बैठा है वो अचानक आपकी ओर मुड़ के आपके मुंह में तमाचा मारने वाला नहीं है। अभी आपके बाजू वाला व्यक्ति कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है पर क्या है आपको इतना ऑर्डर है यहाँ पे कि कोई ऐसे करेगा नहीं मतलब आप सब यहाँ पे बैठे हैं तो आपको क्या अपेक्षा है कि हम यहाँ पे कुछ सुनेंगे और फिर सुन के हमको समझ पड़ेगी हमारे। तो हम सबके जीवन में जब हम जो कार्य करते हैं और उसका जो अपेक्षित फल मिलता है तो उसको हम ऑर्डरली फेस कहते हैं कि मेरा जीवन जैसे अपेक्षा में चल रहा है पर जब मैं कुछ कार्य करता हूं और उसके विपरीत कुछ फल मिलता है
जैसी अपेक्षा है वैसे फल नहीं मिलता है, तभी बड़ी समस्या हो जाती है। और ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे सामना करना है, यह जो है शास्त्रों में कई बार अलग अलग प्रसंगों से इसका वर्णन होता है। और पांडव के जीवन में हम देखते हैं, वास्तव में पांडव के जीवन में पहले वो जंगल में, उनका जन्म हुआ था जंगल में रह रहे थे, फिर बाद में एक तरह से वो जंगल में कोई रह रहा है तो कह सकते हैं वहां पर थोड़ा खतरा अधिक है, वहां पर जानवर होते हैं, सांप होते हैं, शेर होते हैं, तो वहां पर कैसे खतरा अधिक था, क्योंकि उनके पिता वहां पे थे, पिता बड़े क्षत्रिय थे तो इसे वो संरक्षण कर रहे थे। पर जब पांडव का एकाएक उनका उनके देहांत हो गया तो फिर पांडव कहां आ गए हस्तिनापुर आ गए, और उसका उद्देश्य था कि वो जंगल में असुरक्षित रहेंगे, यहां पे सुरक्षित रहेंगे। पर क्या हो गया, यहां पे एक अलग प्रकार का ही खतरा है, वहां पे जानवर थे, यहां पे जानवर जैसे वानर, यहां पे क्या कि दुनिया में ट्रेजेडी मतलब क्या कि कोई दुख हमारे जीवन में आ जाता है। तो मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया और किसी का घर टूट गया या कुछ नाश हो गया, तो ये एक ट्रेजेडी। पर इविल मतलब हम दुष्टता कह सकते हैं, ट्रेजेडी को हिंदी में क्या कहते हैं, हादसा। कोई दुर्भाग्य को घटना, हादसा मतलब इंसिडेंट हो जाएगा, तो कोई दुर्भाग्य को तभी क्या है कि दुष्टता या क्रूरता या इविल मतलब क्या है कि टू प्रोड्यूस सफरिंग फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग सफरिंग इज द वेरी एसेंस ऑफ इविल। अभी कोई भूकंप होता है तो भूकंप को जानबूझ के यहां पे हमको भूकंप करना है, यहां पे इस घर को तोड़ना है, ऐसे नहीं है। पर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी के घर को आग लगा देता है तो नाराज़ क्या है, तो जब ऐसे आग लगा रहा है तो क्या है, वो जानबूझ के किसी को दुख देने के लिए ऐसे कर। तो हमारे जीवन में जो उपद्रव होता है, एक तरह से आयोजनबद्धता है, दूसरा है उपद्रव है। तो जब उपद्रव आ जाता है तो एक प्रकार का उपद्रव हो जाता है कि निसर्ग की पद्धति से कुछ होता है कि कुछ भूकंप आ जाए, घर गिर जाए, पर कोई जानबूझ के आके जब घर जला देता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझ के आपको दुख देने का प्रयास कर। और जब ऐसा होता है, ये दोनों जब है, हम हमारे जीवन में अपना एक व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं और एक पांडव किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, पर एकाएक क्या हो गया, उनके जीवन में एक के बाद एक उपद्रव आने लग गया। भी जब एक बिल्कुल छोटे बिल्कुल एक युवक अवस्था में भी तकरीब प्रवेश किया था, टीनेजर जब थे तभी दुर्गंध ने उनको जहर देने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में एक के बाद ऐसा हो रहा था कि वो पांडव कुछ कौरव को उकसाने के ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे थे, और जिस मात्रा में कौरव उनके समस्या ला रहे थे, तो अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि ये व्यक्ति और उत्तेजित ना हो, ये व्यक्ति मेरे इतना खिलाफ न रहे। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जिससे कि वो व्यक्ति हमसे उत्तेजित हो रहा है, कभी कभी ऐसे होता है कि हम कुछ कार्य करते ही नहीं है पर उसके बावजूद लोग उत्तेजित हो जाते हैं। हम समाज में रहते हैं, हम अधिकांश रूप से ऐसे विचार करते हैं कि आज जैसे जीवन है कल अधिकांश रूप से जीवन वैसे ही रहेगा, कुछ फर्क होगा। पर इसको भौतिक जीवन को भाव सागर कहा गया है, और भाव सागर का मतलब है कि सागर जब हम देखते हैं तो बहुत, जब सागर में तूफान नहीं है, लहरें नहीं है, सागर बड़ा सुंदर लगता है। कई बार लोग का थोड़ा विचलित हो गया तो सागर की ओर देखते हैं, सागर के चित्र देखते हैं, सागर की लहरों की आवाज ऐसे तट पे आ रही है तो आवाज को सुनते हैं, उससे थोड़ी शांति सुकून महसूस करते हैं।
पर वास्तव में कैसे है कि वही सागर जो बड़ा शांत लग सकता है, एकाएक उसको बड़ी लहरा सकती है, और जब लहर आ जाती है तो सब कुछ कुछ ही पलों में वहां पर नाश हो सकता है। तो किम कर्म किम अकर्मेति, कि कौन से कर्म मैं करूंगा तो जो मैं चाहता हूं वो होगा, और कौन सा कर्म करने से कुछ बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा, यह जानना हमारे जीवन में बड़ा मुश्किल होता है। और जब पहले भीष्म को भीम को जहर देने का प्रयास करते हैं कौरव, तो भीम बच जाते हैं, तो भगवान की योजना होती है जिससे बच जाते हैं। पर जब भीम वापस आ जाते हैं तो तभी सब पांडव जो होते हैं उनकी माँ होती है कुंती बड़ी चिंतित होती है, भीम कहाँ है, भीम कहाँ है। और जब भीम वापस आ जाते हैं तो एक तरह से सब बड़े आनंदित हो जाते हैं, पर साथ साथ उनको कहाँ गए थे, क्या हुआ था। और भीम को तो कुछ पता चल जाता है कि भीम जो है सागर के तट पे जाते हैं, वहां पे वरुण देव को नहीं बता देते, और वरुण देव उनको जो होते हैं एक ऐसे अमृत देते हैं, भीम बड़े शक्तिशाली बन जाते हैं। तो अभी भीम जो है उनमें बड़े युद्ध करने का उत्साह होता है। जो है हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, और सब व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। मैं कुछ समय पहले अमेरिका में था, वहां पे मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे व्यक्ति बता रहे थे कि आजकल के समाज में आत्महत्या की मात्रा बहुत बढ़ गई है, और जो है उसमें भी कैसे है लोगों की जो ओरिजिनल स्वभाव है, बेसिक स्वभाव है, वो उनके आत्महत्या के पैटर्न में भी दिखता है, आत्महत्या की पद्धति में दिखता है। मतलब क्या बताया था, कैसे होता है कि जो शारीरिक स्तर पे हिंसा करने की प्रवृत्ति होती है वह पुरुषों में स्त्रियों से अधिक होती है। तो इसके कारण क्या होता है, और स्त्रियों में जो कुछ अंदर भावुकता अधिक होती है, भावनाएं अधिक आती है। तो अभी समझो लोगों का आत्महत्या के बारे में क्या रिसर्च है कि मोर वुमेन अटेम्प्ट सुसाइड देन मेन, एंड मोर मैन कमिट सुसाइड देन वुमेन, कि जो स्त्रियां है वो आत्महत्या करने का प्रयास पुरुषों से बहुत ज्यादा करती है, पर जो आत्महत्या करने का कार्य होता है वो पुरुष स्त्रियों से ज्यादा करते हैं। ऐसे क्यों है? ये इसलिए है कि जो पुरुष शरीर में शारीरिक हिंसा करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो इसलिए वो हिंसा दूसरों के ओर व्यक्ति में कर सकता है और खुद के ओर भी कर सकता है। पर जो उतनी प्रवृत्ति स्त्री के शरीर में नहीं होती है, इसी कारण जब भावनात्मक रूप से टूट जाता है तो वो विचार आता है, पर उससे कार्य करना जो इतना किसी पुरुष के लिए हिंसा करना आसान होता है उतना स्त्री के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो अभी कहने का भाव कहता है कि भीम जब वहां पे आ जाते हैं तो भीम तो बड़ा क्रोध से आग बुझाता है, ये दुर्योधन ने मुझे सहर देने का प्रयास किया, हाँ चकनाचूर कर दूंगा। तो तभी जब भीम सब कुछ युधिष्ठिर को बताते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, हमको अभी शांति रखनी चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पे हम अभी नए आए हैं, और युधिष्ठिर भले ही एक प्रकार से ब्राह्मणिक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं फिर भी राजनीति जानते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि इस समय अगर हम कौरवों के प्रति कुछ दुर्योधन के प्रति आरोप करें तो क्या हो जाएगा, ये एक भेद बन जाएगा, जो राज परिवार में भेद बन जाएगा, और अभी हम नए आए हैं यहाँ पे, इसीलिए कौन हमारे पक्ष में आएगा कौन हमारे पक्ष में नहीं आएगा हमें पता नहीं है, तो हम ऐसे करेंगे अभी चौकन्ने रहेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अभी कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि कैसे होता है कि अभी कुछ समय पहले जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद में सब लोग कह सकते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कुछ समय पहले
ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो मैं तभी ऑस्ट्रेलिया में था। हाँ, मेरा एक मित्र एक भक्त है, वो अमेरिका लंदन में थे, और उनका एक मित्र जो भक्त है वो भारत से लंदन आया था। तो वो लंदन में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच खेल रहा था वो देखने के लिए आया था। और तभी क्या हुआ था, उस मैच के पहले कई बारिश आ रही थी, कई मैचेस बारिश के कारण वाइप आउट हो गई थी। तो अभी ये जो जो इस भक्त का मित्र था वो कह रहा था कि तुम भक्ति करते हो तो तुम भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, तो क्या प्रार्थना करो? अभी साधारण क्या प्रार्थना करें कि भारत जीत जाए पाकिस्तान का, बोले कम से कम बारिश ना, ये प्रार्थना। क्यों इतना क्या है? उसमें क्या हुआ था, उसने 2000 पाउंड खर्च करके एक टिकट खरीदा। 2000 पाउंड मतलब लगभग 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक टिकट के लिए। तो अभी आईसीसी का जो पॉलिसी है कि अगर एक भी गेन अगर भी बॉल किया गया तो फिर वो पैसा वापस कर देगा, रिफंड कर देगा। एक भी बॉल हुआ तो एक भी पैसा वापस नहीं करेगा, ऐसा पॉलिसी। पर क्या है, वो पैसा किसको वापस करेंगे? जिसने आईसीसी ने जिस रेट पे टिकट खरीदा उसको वापस करेंगे। पर अभी क्या हो गया है, इसे तो ब्लैक में खरीदा था, तो ये 2000 पाउंड कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। तो अभी जब कोई मैच हो जाती है, वो मैच तो हो गया, उसमें भारत जीत गया, पर बाद में जब भारत न्यूजीलैंड के साथ हार गया, तो उसके बाद में कई दिनों तक अखबारों में टीवी पे कमेंट्री आ रही थी, इसने ऐसे करना चाहिए था, उसने ऐसे करना चाहिए था, उसने ऐसे बैटिंग करनी चाहिए थी, उसने ऐसे करना चाहिए था, उसने ऐसे करना चाहिए, इसको यहाँ पे भेजना चाहिए था। तो क्या होता है कि आफ्टर द इंसिडेंट एवरीवन इज वाइज, कि घटना घटने के बाद सब बुद्धिमान बन जाते हैं। जो हो जाता है, अरे तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है पांडव, जब उन्होंने ऐसा फैसला किया कि युधिष्ठिर सबसे वरिष्ठ थे, युधिष्ठिर की बात सबने मान ली, भीम मानने को तैयार नहीं थे, पर युधिष्ठिर ने जोर लगाया तो बोले मान ली। तो अभी क्या हो गया, जब कोई उस समय जब उन्होंने उसको कॉन्फ्रेंट नहीं किया, उसको दुर्योधन के सामने, उस दुर्योधन की जो गलती थी वो दुनिया को, भीष्म को, द्रोण को, या भीष्म दुर्योधन धृतराष्ट्र को, या किसी को नहीं बताई। कोई कह सकता है कि शायद वहीं बता देते थे तो जो है वो उसकी जो प्रवृत्ति थी उसी समय वह उसको हम बंद कर सकते थे। पर युधिष्ठिर है अभी वो जो कार्य था उस, ठीक है अभी किसी को बताओ मती है, उसे क्या, उसे अब जब हम कोई कार्य करते हैं जिंदगी में, हमको कोई ऐसा गारंटी नहीं होता है कि जो हम कार्य करेंगे वो सही होगा। लाइफ डजंट कम विद अ गारंटी ऑफ राइट डिसीजंस। हम, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो संघ है, उनका मार्गदर्शन देखे, उनका सलाह मशवरा करके, हमारे बुद्धि से, हमारे अनुभव से कुछ फैसला कर लेते हैं, ठीक है मैं ये कार्य करूंगा। और जब वो कार्य हो जाता है, कभी कभी उसके परिणाम से हमको पता चलता है कि ये सही कार्य था या नहीं सही कार्य था। तो अभी सही का किम कर्म किम कर्मी, कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, यह समझने के लिए साधारणतया हम 3 चीजों का विचार कर सकते हैं। क्या कार्य है, कार्य का उद्देश्य क्या है, और कार्य का परिणाम क्या है। The content of the action, the intent of the action, and the consequence of the action. हम जब कार्य कर रहे हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य क्यों कर रहे हैं, और वो कार्य करने से फल क्या होगा, इसके अनुसार फैसला होता है कि क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रों के अध्ययन से हमको ये मार्गदर्शन मिलता है कि हमें वास्तविक कार्य कैसे करना है। पर ये मार्गदर्शन कैसे मिलता है, क्या शास्त्र ऐसे है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी
वो परिस्थिति का वर्णन पहले से शास्त्रों में है कि इस परिस्थिति में वैसे कार्य कर, इस परिस्थिति में ऐसे कार्य कर। नहीं, हर एक की जीवन की परिस्थिति जो है अलग अलग, और जो अलग अलग ही नहीं है, हर दिन हमारे जीवन की परिस्थिति बदल सकती है। तो किस समय पे कौन सी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, इसका हाँ इसका हर विशेष विशिष्ट परिस्थिति का कोई शास्त्रों में बिल्कुल वैसे का वैसा वर्णन का ऐसे नहीं है, तुलनात्मक भी होगा ऐसे जरूरी नहीं है। पर जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका शास्त्र पढ़ के जब हम धर्म का अनुशीलन करते हैं, तो धर्म का अनुशीलन करना कोई व्यक्ति धार्मिक है। अभी भगवद्गीता का पूरा शुरुआत से अर्जुन का सवाल नहीं है था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, अगर वह सवाल होता तो भगवान से एक शब्द में जाओ युद्ध करो क्या मत करो। पर अर्जुन ने सवाल किया था कि धर्म क्या, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि भगवान कि मेरा धर्म क्या, मुझे सही कार्य क्या है मेरे लिए करने के लिए, उचित कार्य क्या है, कैसे समझ सकता हूँ। जब ऐसी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में कि उचित कार्य है ये कैसे समझे, तो उस समय हमें तीन चीजें देखते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ और उसका परिणाम क्या होने वाला है। और कभी कभी हमारा उद्देश्य उचित होता है पर कोई परिणाम ऐसे आ जाता है जो हमारा जो हमने उसका हमने कभी उसके बाद सोचा ही नहीं, तो फिर हम समझते ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो फिर मुझे कुछ और ऐसी परिस्थिति में कुछ और करना चाहिए। जब हम हमारे जीवन में हर पल में हम क्या होते हैं, भविष्य है, भूत है और वर्तमान है, और इन तीनों के बीच में हम सब हम हर वर्तमान का इस पल होता है, मतलब क्या है, जो भूत का अंत हो रहा है और भविष्य का उगम हो रहा है, और उसके बीच में हम होते हैं और हर पल हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो अभी भविष्य में क्या आने वाला है ये हमें पता नहीं है, भूत में क्या हुआ है क्या हमें ये पता है, भूतकाल में क्या हुआ ये हमें पता है, कुछ हद तक पता है, क्योंकि हमारे भूतकाल में इतना सब कुछ हुआ है, हमारी स्मृति जो है वह इतनी विशाल नहीं सब कुछ अभी याद है, पर कुछ हद तक तो हमें याद है। तो शास्त्रों में जो इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, इसमें ये बताते हैं अलग 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 वृत्तांतों से कहानियों से वर्णन आता है कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, जब समस्या आती है मतलब हमें हमें पता नहीं है इस समय में क्या कार्य करूंगा उससे क्या प्रतिक्रिया, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। अगर सामने फर्श है, अच्छे फर्श है, तो उस पर चले गए तो हमारा पैर वहां पर रहेगा और अगला कदम देखे हम आगे बढ़ सकते हैं, पर अगर सामने ऐसी जमीन है जहां पे मान लीजिए कीचड़ है, वहां पे दलदल है, तो मैं एक पल पकड़ लूंगा तो शायद मेरा कुछ नहीं होगा पैर को, या शायद ऐसे होगा कि पैर पूरा चिक चिक है। तो कभी कभी हम जब जीवन चलते हैं तो एक दलदल आ जाता है, जब दलदल आ जाता है तो पता नहीं होता है कि आगे कैसे अभी क्या कदम लेना है, आगे कदम लेना है या नहीं, यहाँ पे लेना है यहाँ पे। तो उस समय जब अर्जुन को पता नहीं होता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, मैं जानना चाहता हूं हे भगवान कि मैं इस समय में क्या कर्म करूं। तो जब ऐसे होता है तो भगवान अर्जुन को एक शब्द में उपदेश नहीं देते कि तुम ये करो ये मत करो, भगवान भगवद्गीता बताते हैं। भगवद्गीता क्यों बताते हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन को एक तरह से कंपस दे रहे, एक इस तरह से मार्गदर्शन दे रहे कि जिससे पता चले कि इस न केवल इस परिस्थिति में आप क्या कार्य करें, भविष्य में भी आपको ऐसी समस्या आएगी, दुविधा आएगी, तो आप कैसे कार्य करें। तो अभी युधिष्ठिर ये तीन चीजें देखे, क्या कार्य करना है, क्या उद्देश्य है, क्या परिणाम है उसका। तो अभी जब युधिष्ठिर जब ये कहते हैं कि ठीक है एक बात को और बढ़ाऊ, तो अभी जो कार्य है एक तरह से किसी ने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है, और ये तो बहुत बड़ी गलती है किसी ने उनको, इससे पहले बताया एक तो कुछ अपने आप आपघात हो जाता है
और दूसरा है कोई दुष्ट कार्य करता है। तो अभी जब भी इनको जहर दिया गया, कौन सा ये अपघात है या दुष्ट कार्य है? दुष्ट कार्य। तो अभी कोई अपघात भी हो गया है तो भी उसका हम रिपोर्ट करते हैं। तो अभी युधिष्ठिर ने जो फैसला किया कि ठीक है इसको अभी बात को बढ़ाते नहीं, तो उनका उद्देश्य था कि हमारे परिवार में एक फूट न पड़ जाए, और वह उद्देश्य हम कह सकते हैं अच्छा उद्देश्य। कोई भी नहीं चाहता है कि किसी के परिवार में जो है परिवार वालों में ही झगड़ा हो जाए, परिवार वालों में ही जो कटुता आ जाए। वो उससे क्या होता है कि दूर के लोग अगर हमसे दुश्मन हो जाते हैं तो बुरा लगता है, पर जो करीब के लोग दुश्मन हो जाते हैं तो उससे और बहुत दर्द होता है। तो उद्देश्य उचित था। अब एक कार्य हम कह सकते हैं, यह तो एक बहुत ही नीक कार्य है, किसने हम पर आक्रमण किया है, हम उसे आक्रमण नहीं कर रहे, ये क्या है शांति रखने का, तो कार्य उचित है। अभी उसका परिणाम क्या हुआ? अभी परिणाम ये हुआ दो तरह से, एक तो पांडव को चौकन्ने बन गए कि अभी हम जब दुनिया में रहते हैं तो एक है नाइविटी, लेकिन नाइविटी मतलब कहते हैं कोई लोग सोचते हैं कि अरे सब लोग बड़े अच्छे हैं, सब लोग विश्वास पात्र हैं, सब लोग मेरा अच्छा ही जानते हैं, मेरा अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं। ये जो है एक नाइव भाव है, नाइव मतलब बड़ा ही मासूम, पर मासूम एक सकारात्मक भाव होता है। व्हाट इज नाइव, एनी आइडिया? भोला, थैंक यू। बहुत ही भोला है ऐसा भाव होगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति वो उसको जमीन पे पटका जाएगा और लोग उसका ऐसा दुरुपयोग करेंगे, उसका ऐसा शोषण करेंगे। कोई बहुत भोला रहेगा तो वो जिंदगी चल नहीं सकता, भोलापन का शोषण हो जाएगा व्यास से। पर उसके विपरीत है, अगर हम एक 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 कोना है भोलापन, कोई व्यक्ति भोलेपन से चलाता है दूसरी ओर, और दूसरा क्या है वह है सिनिसिज्म। सिनिसिज्म मतलब पूरा नकारात्मक भाव। मैं अमेरिका में था, वहां पे एक मैं प्रोग्राम को जा रहा था, वहां पे अगली गाड़ी थी और उस गाड़ी में एक आदमी ड्राइव कर रहा था और जो कुत्ता था राजा के समान बैठ के अपने खिड़की से देख रहा था कुछ बार, और पीछे उस पे लिखा था द मोर आई गेट टू नो पीपल द मोर आई लव माई डॉग। जितना मैं लोगों को जानने लगा हूं, जितना ज्यादा लोगों को जानता हूं उतना मैं अपने कुत्ते से अधिक प्रेम करने लगा हूं। मतलब क्या है, लोग वैसे विश्वास के पात्र है ही, लोग प्रेम के पात्र है ही, हाँ क्या है कुत्ता ही अच्छा है। तो क्या है कि एक व्यक्ति एक है कि इतना नकारात्मक भाव जाना कि किसी पे विश्वास करना ही नहीं है, दूसरा है सब पे विश्वास करना। इसके बीच में है कि द करेज टू ट्रस्ट, बुद्धिमत्ता के साथ यह साहस करना कि किसी पे मैं विश्वास करूं। सब पर विश्वास करना यह मूर्खता है, सब किसी पर विश्वास न करना यह खुद को अकेलेपन में फंसाने के समान है। खुद को उसका हृदय जो है वो पूरा एक पत्थर जैसे बन जाएगा। पर किसी पर बुद्धिमत्ता के साथ साहस के विश्वास करना। तो अभी युधिष्ठिर ने क्या देखा उस समय कि यहां पे हमारे चिंतकों में कौन है, कि अपने परिवार वालों में होंगे तो किसी को लगता है सभी चिंतक होंगे, अगर नहीं कोई परिवार वाला ही जहर देने का प्रयास कर रहा है तो अभी क्या करेगा उससे। हमने देखा कि अगर हम देख सकते हैं कि जिसको मुझसे कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी विदुर जो थे वो राजा बनने वाले नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनका जो पुत्र था, उनका जो जन्म दासी पुत्र से हुआ था। एक तरह से विदुर और धृतराष्ट्र दोनों की परिस्थिति समान थी, दोनों के साथ एक तरह से कह सकते हैं जन्म से ही अन्याय हो गया। धृतराष्ट्र के साथ क्या अन्याय हुआ था, जन्म से क्या अन्याय था, अंधापन आ गया।
तो अंधेपन के कारण राजा नहीं बन सकते थे। और विदुर के साथ एक तरह से अन्याय हो गया था क्योंकि वो दासी पुत्र थे, इसीलिए उनका भी राजा बनने मान लिए थे। पर क्या हुआ था, धृतराष्ट्र हमारे जीवन में, जब जीवन एक तरह से एक कार्ड गेम के समान है, कोई पत्ते खेलता है तो पत्ते खेलते समय क्या होता है, सबको एक हाथ मिलता है, तो किसी को अच्छा हाथ मिलता है, किसी को बुरा हाथ मिलता है। पर अभी जो हाथ मिला है उसके साथ ही हमें खेलना है। तो वैसे नियति हम सबको हमारे जीवन की शुरुआत में कोई हाथ दे देते हैं, और एक तरह से हर एक व्यक्ति के हाथ में कुछ ना कुछ बुराई होती है, पर जो हाथ मिला है वह हम स्वीकार नहीं करते। अरे मुझे वो मिला होता तो वो मिला होता तो कितना अच्छा होता, वो मिला होता तो कितना अच्छा होता, वो मिला होता कितना अच्छा होता, उससे कुछ नहीं होने पाते। तो क्रिकेट में अगर कोई ऐसा टॉस होता है, अगर कोई ऐसा पिच होता है तो उसे पहले बैटिंग करे तो बहुत अच्छा है, तो अगर किसी को टॉस आ जाता है उनको पहले बॉलिंग करने को, अगर बॉलिंग करते समय हर बार वो सोचते रहे हम बैटिंग करें तो कितना अच्छा होता, बैटिंग करें तो कितना अच्छा होता, नहीं अभी तुमको बॉलिंग करना है, जो हाथ मिला है वो स्वीकार कर। तो विदुर ने क्या होता, जो हाथ मिला था वो स्वीकार कर। विदुर समझ गया कि मैं अभी राजा बनने वाला नहीं हूँ, तो राजा बनने की पूरी इच्छा ही छोड़ दी। और क्या किया, पहले से इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता थी, और फिर वो रॉयल एडवाइजर जो है एक राजमंत्री की भूमिका करने लगे। तो युधिष्ठिर ने देखा उस समय कि अभी अगर हम नहीं रहेंगे यहाँ पे तो दुर्योधन राजा बनेगा, अगर हम नहीं रहेंगे तो धृतराष्ट्र का पेटर आ जाएगा। अभी भीष्म जो थे, भीष्म पांडवों से स्वाभाविक रूप से स्नेह करते थे, पर भीष्म का व्रत से बद्ध थे भीष्म की वह जो भी हस्तिनापुर का राजा है उसका वो संरक्षण करेंगे। इसीलिए युधिष्ठिर ने सोचा कि भीष्म अगर समस्या, अगर कुछ भेद हो जाएगा, अगर कोई झगड़ा हो जाएगा, अगर कुछ युद्ध हो जाएगा तो भीष्म हमारे साथ आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति है जिसको हमसे कुछ न कोई प्राप्ति करने की अपेक्षा है, न कोई कुछ प्राप्त करने की उम्मीद है, तो ऐसा व्यक्ति है वो विदुर। तो फिर युधिष्ठिर और विदुर ये बहुत एक दूसरे के करीब आ गए। जब हम समस्याएं में आते हैं तभी हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारे सही चिंतक कौन है। तो इस समय जब विदुर समझ गए कि यहाँ पे कुछ हुआ है, क्योंकि जो पांडव होता, क्या होता है, जो व्यक्ति बड़ा ही भोला होता है वह किसी पर श्रद्धा कर देता है, पर जो व्यक्ति थोड़ा अनुभवी होता है वो उसमें भोलापन नहीं रहता है। कि हम सब ऐसे व्यक्ति हैं, मान लीजिए कि हम सब एक तरह से बंदर के समान है, हमारा मन एक बंदर के समान है, पर न केवल एक बंदर है, पर ये बंदर के साथ हम सब में एक बंदर है पर उसके साथ साथ अनेक सांप है, और किसी के अंदर का सांप हमको डस सकता है, हमारे अंदर का सांप किसी को डस सकता है, और सबसे बड़ा खतरा है हमारे अंदर का सांप हमको भी डस सकता है। सांप मतलब क्या है, हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो हमारा मन एक बंदर के समान है, बंदर मतलब वो चंचल, हमें मना चंचल रहता है, कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, पर जो बंदर होता है वो हम कहते हैं खतरनाक है, बंदर जानलेवा नहीं होते साधारण, कुछ बंदर होते हैं। मैं जब कनाडा में था वहां पे एक बग के हमें रहता, वो बग जो है वो एनिमल बिहेवियर में पीएचडी किया, इथोलॉजी नाम का ब्रांच होता है कि जो जानवर अपने नैसर्गिक पद्धति में कैसे जीवन जीते हैं उसमें उन्होंने पीएचडी किया है। तो कुछ प्रकार के ऐसे गोरिल्ला होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, वो गोरिल्ला बंदरों को खा लेते हैं, ये गोरिल्ला बड़े होते हैं और वो बंदरों को खा लेते हैं, जब वो बंदर को पकड़ लेते हैं तो बंदर को मारते भी नहीं है, जिंदा ही उनको खा लेते हैं, काट के खा लेते हैं। तो जो क्रूरता होती है यह एक तरह से नैसर्गिक रूप से अपने आप को जानवर में होती है,
पर उसको हम क्रूर नहीं कहते क्योंकि अपने निसर्ग के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो हम सब में एक तरह से बंदर है पर बंदर के साथ सर्प भी है। तो अभी किस पे श्रद्धा करनी है किस पे श्रद्धा नहीं करनी है यह समझने के लिए बुद्धि लगती है। तो युधिष्ठिर ने क्या फैसला किया कि मैं विदुर से शांति और वह बड़ी बुद्धिमत्ता है फैसला था क्योंकि एक तरह से देखा कि विदुर को मुझसे कुछ मिलने वाला नहीं है और न केवल विदुर मुझसे कुछ चाहते हैं और ऐसे नहीं कि विदुर दुर्योधन के शत्रुपुत्र हैं। विदुर जब एक बार धृतराष्ट्र ने विदुर के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया तुम हमेशा मेरे पुत्र को बुरा कहते हो और तुम हमेशा पांडु के पुत्र का पक्षपात पक्ष लेते हो तो विदुर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं है मैं वास्तव में जो पूरे पूर्व वंश के हित के लिए वही बता रहा हूं और जहां तक पक्षपात की बात है वो मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो है यहाँ पे दुर्योधन गलत कार्य कर रहा है और एक तरह से अगर तुमको लगा भी पक्षपात है तो वो बोले कि वो तो स्वाभाविक है क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में आप हो पांडव के दूसरे पक्ष में कौन है युधिष्ठिर के पक्ष की बात बोलने वाला यहाँ पे कौन है तो वो कह लगे मैं सारे पूर्व वंश के ही हित की बात कर रहा हूँ और कुरु वंश का हित मतलब ये पांडवों कौरव दोनों का हित देखना चाहिए तो तुम दुर्योधन का हित देख रहे हो हर बार वास्तव में दुर्योधन का हित भी नहीं देख रहे दुर्योधन का भोग देख रहे भोग और हित एक चीज नहीं होती है कई बार पर क्या होता है वो मैं अगर हम कुरु वंश का हित चाहिए तो दोनों का हित देख रहे तो क्योंकि तुम पांडवों का हित नहीं देख रहे हो इसीलिए मुझे उनका हित देखना पड़ता है अगर तुम बिना पक्षपाती के दोनों का हित देखोगे तो फिर मुझे पांडवों के पक्ष में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इस तरह से कार्य होता है तो युधिष्ठिर के इस कार्य से क्या होता है उसमें युधिष्ठिर और विदुर में बड़ी मैत्री बढ़ जाती है और फिर उसके बाद में जब भी कोई खतरा आता है तो विदुर सबसे पहले युधिष्ठिर को चौंकाने कर देते हैं। अभी जब यह षड्यंत्र कैसे होता है इस दुनिया में मैं दो पॉइंट्स बताऊंगा उसके बाद में अंत में सवाल लेंगे हम कि एक है मैं बोला कि कमजोरी और दूसरी है क्रूरता दुष्टता वीकनेस और विकेडनेस। वीकनेस मतलब क्या जो व्यक्ति उसमें कभी काम आ जाता काम वासना बढ़ जाती है कभी क्रोध बढ़ जाता है कभी मोह बढ़ जाता है यह है कमजोरी। पर क्रूरता मतलब क्या जिसमें पहले बताया कि जो व्यक्ति जानबूझ के किसी को दर्द देने का प्रयास करता है जब क्रोध में आता है कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कह देता है हाथ पैर उठा देता है वो बहुत बुरा है पर वो क्रोध में कर दिया। पर जो व्यक्ति वो बहुत क्रोध की कमजोरी है पर जो व्यक्ति विकेट होता है जो व्यक्ति क्रूर होता है वह जानबूझ के दूसरे को ऐसी तरह दर्द करेगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा उसको। तो वीकनेस ये बुरा है पर विकेटनेस ये उससे बहुत ज्यादा बुरा है। और क्या होता है जहां पे भी वीकनेस होता है वहां पे विकेटनेस पास नहीं होता है किसी को पकड़ लेता है। कोई युवक व्यक्ति है जिनको थोड़ी कमजोरी है कि शायद थोड़ा शराब पी लेता हूँ शायद थोड़ा नशा कर लेता हूँ ड्रग्स ले लेता हूँ और वहां पे जरूर कोई ना कोई आ जाएगा जो ड्रग्स बेचने वाला है। जो ड्रग्स बेचने वाला है क्या करेगा दे आर विकेट वो ये चाहते हैं कि आपके पास जितना पैसा है वो सारा निकाल ले और वह आपको पूरा आसक्त बना दे। तो इससे क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र जो था वो विकेट नहीं था वीक था पर दुर्योधन विकेट था। दुर्योधन बड़ा क्रूर था और दुर्योधन की क्रूरता में और आग दाग में ऐसे हम बोले लकड़ी डालने के लिए या घी डालने के लिए कौन आ गया वहां पे बात में शकुनी आ गया। तो जब शकुनी आ गया तो उसके बाद दुर्योधन ने अगला षड्यंत्र बनाया कि हम
पांडवों को वारणावत भेज के वहां पे छुड़ा दिया। तो अभी जब ऐसा हो रहा था, विदुर बड़ा बुद्धिमान, बड़े बुद्धिमान थे, तो उनके जासूस भी थे, उनके विश्वास वाले जासूस थे, उन्हें पता हो क्या हो गया। तो विदुर ने युधिष्ठिर को सचेत कर दिया। युधिष्ठिर भी बुद्धिमान थे, उन सचेत हो गए, उसे तो सचेत हो गए, मतलब क्या हो गया, जब उनको वारना हो तो जाने को बोल, जाने को बोला। तो युधिष्ठिर ने सोचा, युधिष्ठिर सोचा कि धृतराष्ट्र ने कहा वारना बड़ा उत्सव होने वाला है, वो उत्सव जाके तुम भी आनंद ले सकते, और वो उत्सव का बड़ा गुणगान करने लगे। तो युधिष्ठिर के मन में पहले सवाल आया कि अगर ये उत्सव इतना अच्छा है तो फिर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को नहीं भेज रहा है, मुझे क्यों भेज रहा है। अगर जब विदुर ने उनको बताया, चेतावनी दी, धृतराष्ट्र तो युधिष्ठिर समझ गए कि यहाँ पे एक खतरा है। तो उससे तो जब वारणावत तो जला दिया गया, वहां पे जो महल था, तो पांडव वहां से बच गए। फिर वहां से वो बच के उन्हें द्रौपदी से, द्रौपदी के स्वयं पर द्रौपदी का हाथ प्राप्त कर लिया, तो उसके वाले बड़े शक्तिशाली बन गए। तो अभी जब इस सारे प्रसंग का अंत होने को आता है, जब युद्ध होता है, तो एक समय युधिष्ठिर कहते हैं कि बात को आगे मत बढ़ा, छोड़ो उसको। पर जब पांडव के प्रति बार बार अत्याचार होता रहता है, तो उसके बाद में युद्ध होता है, और जब युद्ध युद्ध अनिवार्य हो जाता है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं युद्ध चाहता नहीं हूँ, पर अगर कौरव ऐसे अत्याचार करते रहेंगे और वो अन्याय को रोकने वाले नहीं है, तो युद्ध का कोई पर्याय नहीं। और जब युद्ध हो जाता है, उसके बाद में सारे कौरवों का वध होता है, और फिर उसके बाद धृतराष्ट्र सोचता है कि मैं अभी जब भी सारे पांडव से मिलने आते हैं, तो वो भीम से मिलने आते हैं, तो भीम को वो क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं, और धृतराष्ट्र भी क्षत्रिय होते हैं, आंख नहीं होते, कोई शक्ति काफी होती है, तो सारी शक्ति से वो भीम को आलिंगन लेते कुचल देते हैं, और इतनी शक्ति होती है कि वो भीम का ऐसा लगता है कि भीम पूरा कुचल के उसका नाश हो गया, और उसके लिए इतनी शक्ति लगती है दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, कि दुर्योधन धृतराष्ट्र वहां पे खून की इतनी शक्ति कर रहा है, खून की बहुत उल्टी कर दी, क्या हो गया, और फिर विलाप कर लेते हैं, क्या कर दिया मैंने, ये मैंने क्रोध के वश में आके भीम का वध कर दिया। तो फिर तभी कृष्ण कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैं जानता था, इसीलिए मैंने भीम को नहीं भेजा था, भीम के कठपुतली को यहां भेजा था। तो अभी यह जब है, यह होने के बाद भीम का वध, पहले सबसे पहले उनका वध करने का प्रयास पुत्र ने किया, और बाद में पिता ने भी किया। अभी यह सब होने के बाद भी युधिष्ठिर क्या करते हैं, वो धृतराष्ट्र के खिलाफ कोई कार्य नहीं करते, और धृतराष्ट्र को राजा के समान सम्मान देते। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि अभी कृष्ण भी युधिष्ठिर को ऐसा करने से रोकते नहीं है। कृष्ण भी धृतराष्ट्र क्या से क्या कहते हैं उस समय कि तुम कि अभी तुम्हारे पुत्रों का तो वध हो चुका है, अभी भी इनको मार के तुम्हें क्या मिलने वाला है, और तुम्हारे पुत्रों का वध जो है उसका कारण भीम नहीं है, भीम केवल निमित्त है, उनके ही कुकर्म है जिसका उन्हें फल मिला है। तो जब ऐसे बोलते हैं, तो कृष्ण धृतराष्ट्र को कुछ डांटते नहीं है और उसको गुनहगार नहीं मानते, और फिर उसके बाद में क्या होता है, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को राजा के समान ही राज्य देते हैं, युधिष्ठिर राजा बनते हैं, पर एक राज परिवार में बहुत आदरणीय उनको एक जगह देते हैं, और उसके बाद में विदुर आके फिर विदुर धृतराष्ट्र को ज्ञान देते हैं, और उससे धृतराष्ट्र का उद्धार हो जाता है। तो अभी युधिष्ठिर जो है, पहले भी दुर्योधन के प्रति कुछ कार्य नहीं करते हैं,
और अंत में धृतराष्ट्र के प्रति कुछ कार्य नहीं करता। तो हम कह सकते हैं पहले धृतराष्ट्र के प्रति कुछ कार्य न करना ये गलत है, क्या धृतराष्ट्र के प्रति कुछ कार्य न करना गलत है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसमें क्या है कि युधिष्ठिर का भाव होता है कि जो अभी कोई व्यक्ति पे बुरा कार्य करता है तो वो व्यक्ति बुरा कार्य क्यों कर रहा है यह हमें पहले समझ नहीं आया। मतलब व्यक्ति वीकनेस के कारण कार्य कर रहा है या विकेटनेस के कारण कार्य कर रहा है? वो उस समय कोई कमजोरी के वश में आके क्रोध में लोभ में मोह में आके कुछ कार्य कर देता है या वही उसकी प्रवृत्ति है? तो क्योंकि सबसे पहले पता नहीं होता है युधिष्ठिर को, अभी दुर्योधन ने कार्य तो किया है पर दुर्योधन के हृदय में पांडव के प्रति कितनी ईर्ष्या है, कितना बुरा भाव है वो पता नहीं है उसको। इसलिए क्या करते हैं उसको, ठीक है उसके बाद पाठ में पढ़ा पर बार 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 उसी प्रकार का कार्य करते हैं और बिल्कुल कुछ पश्चाताप है ही नहीं। यहां तक कि जब कृष्ण स्वयं जाते हैं शांतिदूत के रूप में, धृतराष्ट्र दुर्योधन को पूरा ठुकरा देता है, मैं तुमको इतनी जमीन भी नहीं दूंगा जितना कि तुम एक सुई उसको जमीन में डाल सको। ये क्या है कि इस तरह से ना कहना है कि वो व्यक्ति के मुंह पे एक चपट एक तमाचा मारने के समान है। मान लीजिए हम किसी को कार्यक्रम के लिए बुलाते हैं, सत्संग के लिए बुलाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने मुझे ये काम है, मुझे ये मीटिंग है, ये कार्य है, इसका मैं आ नहीं सकता, वो एक प्रकार का ना बोलता है। पर कोई अगर बोलता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी लाश तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आएगी, ऐसे बोल रहा है, मतलब क्या है वह सीधा बिल्कुल ना बोल रहा है। तो जब दुर्योधन में कोई पश्चाताप देखते ही नहीं है, वो कुछ कुछ परिवर्तन का कुछ नामो निशान देखते हैं तो फिर कहते हैं युद्ध करना है, युद्ध अनिवार्य हो गया। पर जो धृतराष्ट्र होता है, धृतराष्ट्र में क्रूरता नहीं होती, कमजोरी होती है। और जब वे भीम पे आक्रमण भी करते हैं तो तुरंत, अभी ऐसे धृतराष्ट्र नाटक नहीं कर रहा है कि पश्चाताप कर रहा है, उस समय भीम को सामने एहसास होते उसको इतना क्रोध आता है धृतराष्ट्र को, वो भीम का वध करना चाहते हैं पर उसके बाद तुरंत विलाप होता है। तो जो कमजोरी होती है वो कमजोरी के पल में कोई व्यक्ति बहुत ही खतरनाक कार्य कर सकता है पर बाद में कम से कम पश्चाताप में विलाप तो होता है। जब ऐसे होता है तो फिर वीकनेस इज रिफॉर्मेबल, विकेडनेस इज पनिशेबल। जब कमजोरी होती है तो उसको परिवर्तित कर सकते हैं, जब क्रूरता होती है उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी हो सकता है पर बहुत मुश्किल होता है उसको परिवर्तित करना। तो जो पांडव जो अब युधिष्ठिर जो कार्य करते हैं, जब हमें कार्य करना है हमारे जीवन में, हमें कैसे फैसला करना है, किम कर्म किम करोति, क्या करने से ये परिस्थिति और विचलित हो जाएगी, क्या परिस्थिति करने से ये परिस्थिति, क्या करने से ये परिस्थिति और नियंत्रण में आ जाएगी, हमको ये पहले से पता नहीं होगा। पर जब हम किसी व्यक्ति को निरीक्षण करते हैं, एक पल में नहीं सब काफी काला से निरीक्षण करते हैं, तो धीरे धीरे हम समझ में आते हैं किस व्यक्ति में क्या कमजोरी है और किस व्यक्ति में क्या कोई क्रूरता है। अधिकांश लोग रूप से क्या होता है, कई बार हम कमजोरी को क्रूरता मान लेते हैं। कोई व्यक्ति हमको परेशान करता है, हमको लगता है जान बूझ के मुझे परेशान करने के लिए, पर ऐसे नहीं होता, कई बार वो कमजोरी होती है और जब कमजोरी होती है तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए। हम सब में कमजोरियां और धीरे धीरे वो जो कमजोरियों की हम पल जाते हैं। तो धृतराष्ट्र जो होता है, युधिष्ठिर कभी उसको उपदेश नहीं देते हैं, धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए पुनः विदुर उचित समय पर वहां आ जाते हैं और फिर विदुर के कार्य से, विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र का उद्धार हो जाता है। तो सारांश ने आज मैं चर्चा की किस तरह से हम सब हमारे जीवन में क्या कार्य करना है जिससे कि हमारी परिस्थिति जो है बुरी परिस्थिति होगी तो अच्छी हो जाएगी, या क्या कार्य करने से बुरी परिस्थिति और खराब हो जाएगी, ऐसा फैसला हम सबको करना पड़ता है। तो शुरुआत में हमने देखा कैसे है कि हमारे जीवन समस्याएं आती है, अलग अलग प्रकार की समस्या आती है,
कुछ होते हैं हमने गलती की होती है और उसकी मात्रा में समस्या आती है, कुछ होते हैं छोटी सी गलती की होती है और बड़ी समस्या आ जाती है, हमने कुछ गलती की ही नहीं होती है वो अच्छा कर रहे होते हैं फिर भी समस्या आ जाती है। तो जब ऐसे होता है तो हमारे जीवन में केओस आ जाता है, जो योजना है सब चली जाती है। और ऐसी जो आयोजन बद्ध परिस्थिति हमारे जीवन में जब नहीं होती है तब हमें आगे कैसे बढ़ना है यह शास्त्र में सिखाते हैं। तो अभी देखा कि युधिष्ठिर के जो जो वार्तालाप था कि क्या कार्य किया उससे कैसे परिणाम हुआ। तो जब हमारे परिस्थिति में हमें कुछ कार्य करना होता है उसके लिए हम तीन चीजें देख सकते हैं, क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, क्या परिणाम है। तो किसी ने हमारे प्रति बुरा किया है हम बुरा करेंगे, उसका बुरा करेंगे, यह एक प्रतिक्रिया होती है, यह वैसे करेंगे तो कई बार उससे चीजें बढ़ सकती है। मैं प्रतिक्रिया नहीं करता, युधिष्ठिर का वही इरादा था जब भीम के प्रति आक्रमण हुआ था, भीम को जहर देने का प्रयास किया, उस समय पांडवों ने सोचा कि हमको जो हमारे परिवार में जो भेद है झगड़ा है वो बढ़ना नहीं चाहिए और हमें यहाँ पे कौन सपोर्ट करेगा नहीं करेगा ये पता भी नहीं है। तो हम देखा कैसे हम दूसरों से आदान प्रदान जब करते हैं अगर हम भोले होंगे तो लोग हमारा शोषण करेंगे, पर अगर हम बहुत ही नकारात्मक हो गए तो संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। इसीलिए हमारे बुद्धि से हमें किसी पे विश्वास रखने का साहस करना चाहिए। तो फिर युधिष्ठिर ने किस पे विश्वास रखा, विदुर पे। क्यों विदुर पे, क्योंकि विदुर युधिष्ठिर से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। हम सबको कभी कभी बुरे हाथ मिलते हैं जीवन में, धृतराष्ट्र और विदुर दोनों को बुरे हाथ मिले, धृतराष्ट्र कभी जो अंधेपन का राज्य नहीं मिल रहा था तो स्वीकार नहीं कर रहा, उसके उसके वो कमजोरी स्वीकार स्वीकृति नहीं की, वो कमजोरी हो गई और फिर दुर्योधन की क्रूरता से दुष्टता के कारण वो कमजोरी से बड़ी समस्या हो गई। विदुर ने वो स्वीकार कर लिया और फिर विदुर क्या है एक मंत्री एक मार्गदर्शक के रूप में बन गए। फिर बाद में दुर्योधन की क्रूरता और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो फिर पांडवों ने फैसला किया कि अभी हम इसको हमें युद्ध ही करना है। जब कमजोरी है, कमजोरी मतलब व्यक्ति को क्रोध लोभ मोह आ जाता है, कुछ बुरा कार्य करता है, पर बाद में कम से कम वो पश्चाताप करता है। पर जब क्रूरता होती है या तो फिर वो कभी पहले कुछ बुरा किया सोचता ही नहीं है, चाहे जितना और बुरा करके जितना जान उससे को दर्द देगा उतना उसने खुद को बुद्धिमान मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को सजा देनी पड़ती है। जब दुर्योधन के कार्य से पता चल गया कि उसमें कुछ भी गिलानी नहीं है, कुछ पश्चाताप नहीं है, तो फिर युद्ध से उसको सजा देनी पड़ी। पर क्योंकि धृतराष्ट्र कमजोर थे, धृतराष्ट्र ने भी युधिष्ठिर भीम को मारने का पुनः एक बार प्रयास किया, पर युधिष्ठिर ने उसके खिलाफ कार्य नहीं किया क्योंकि वो देखा कि ये शोक के कारण जो क्रोध आ गया उसमें उसके प्रभाव में वो कार्य किया। और फिर विदुर ने आके उनको सदुपदेश देखिए उसको वैराग्य जागृत करके उनका उद्धार। तो हम सब हमारे जीवन में जब कुछ कार्य करना चाहते हैं तो कोई हमें परेशान कर रहा है तो हमें ये सोचना है कि पहले से कि ये क्रूर है, ये कमजोरी है, और फिर जैसे हमारी कमजोरी के लिए हम दूसरे में सब्र कर, हम अपेक्षा करते आशा करते दूसरे हमारे प्रति सब्र करेंगे, हम भी सब्र करें दूसरे को। और कई बार ऐसा होता है कि वो कमजोरी की धीरे धीरे वो परिचय जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर टाइम। इसमें इतना भी सवाल है कि युधिष्ठिर महाराज को मतलब आपने वीकनेस और विकेटनेस में जो डिफरेंस बताया तो युधिष्ठिर महाराज ने वैसा ही डील किया दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों के साथ, तो क्या उनका डील पॉलिटिकल था या फिर या उनका नेचर था कि उसी प्रकार के वो कार्य करते थे? धनराज हमने कहते कृष्ण ने भी कहा उन्होंने झूठने बोला था तो नरवा की कुंजरवा, तो उनका स्वभाव था आगे भी उस हिसाब से उन्होंने कार्य किया या फिर भीम हम लोग देखते भीम यदि राजा रहते थे बड़े रहते थे तो उन्होंने उस समय जो डिसीजन लिया रहता था कि नहीं मैं तो इसको खत्म करूंगा,
तो क्या वो उसके मतलब वो इतनी राजा रहते थे तो वो डिसीजन रास्त रहता था ओके गुड हैव बीन अ गुड डिसीजन कि वो जो राजा रहते थे ओके कोई कुछ बड़े डिसीजन रास्त थे तो उनका सुना गया वहां पे उन्होंने उस प्रकार से कार्य किया तो स्वभाव के हिसाब से डिसीजन हो सकता है तो हाउ टू कैन अच्छा तो सवाल ये है कि किसी परिस्थिति में युधिष्ठिर ने फैसला किया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे भीम अगर फैसला करना होता तो भीम कह रहे हम जरूर इसको आगे बढ़ा सकते तो फिर वहाँ पे उचित धार्मिक कार्य क्या है क्या युधिष्ठिर जो किया वो धार्मिक होता अगर भीम सबसे बड़े भाई होते भीम ने जो किया क्या वो भी धार्मिक होता कि यहाँ पे क्या है धर्म जो है यह इट्स मोर अ डायरेक्शन देन अ पाथ ऐसे कभी हम कहते हैं कि हमें भगवान की योजना के अनुसार कार्य करना है तो भगवान की योजना क्या है ये हमें पता नहीं है पहले से पर भगवान की योजना में भी हमारी स्वेच्छा होती है कि सो मैं एक हृदय बोलूंगा फिर मैं उनको आंसर करता हूँ Krishna's plan is not like a pre-programmed pathway in which we have to simply walk like a puppet. Krishna's plan is also reciprocal and it accommodates our free will. तो भगवान की योजना ऐसे भगवान की योजना के अनुसार कार्य करना मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल एक बुद्धि रहित चेतना रहित कठपुतली बन जाते हैं सिर्फ भगवान से बोलते वो एक शरणागति का भाव होता है जरूरी पर भगवान हमसे एक प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते न केवल आध्यात्मिक जगत में इस जगत में इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था पहले कि मेरे गुरुदेव ने मुझे पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने को बोला और मैंने वो किया है भी। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे हमको भारत में प्रचार करना चाहिए क्योंकि भारत में ही हम इस कृष्ण भावना आंदोलन का एक न्यू स्थापित कर सकते हैं तो प्रभुपाद जी की इच्छा क्या ये उनके गुरु महाराज की इच्छा थी उनके गुरु महाराज की इच्छा नहीं थी कि ऐसे नहीं थी कि तुम भारत में प्रचार मत करो पर एक किसी की व्यक्तिगत इच्छा भी हो सकती है अगर वो भगवान की सेवा के लिए इच्छा है तो फिर वो भगवान की योजना में ही है तो भगवान की योजना मतलब ऐसे नहीं है कि ये एक पाठ है एक एक ऐसे पाठ है भगवान की योजना मतलब एक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन बड़ा सर्कल हो सकता है कोई ऐसे में चल सकता है कोई ऐसे में चल सकता है तो इसका मतलब ये है कि उसी परिस्थिति में दो अलग अलग भक्त जो होते हैं अगर उनका स्वभाव अलग अलग है तो वो अलग अलग पद्धति सेवा करना चाहेंगे और वो भी उचित है उसमें कोई गलत नहीं है तो हमारा जो स्वभाव है क्या उसके अनुसार धर्म बदलता है नहीं ऐसे नहीं कि स्वभाव के अनुसार धर्म बदलता है धर्म ऐसे कुछ नहीं है कि एक ऐसे प्रोग्राम कोड है जो हमको समझना कार्य करें धर्म एक कंपस अगर कोई सागर में है और वहां पे एक तूफान आ गया तो अगर किसी के पास कोई एक छोटी सी बोट है किसी के पास एक बड़ी शिप है तो अभी कोई बड़ी लहर आ रही है तो वो अगर बोट में हुआ व्यक्ति तो वो जिस दिशा में जमीन है दोनों को उसी दिशा में जाना है पर जो बोट में है वो जिस पद्धति आएगा वैसे ही पद्धति जो बड़े जहाज में वैसे नहीं जाएगा वो तो अलग जो है ये बड़ी बड़ी लहरें हम छोटे बोट में तो सहन नहीं कर पाते हमको पहले हम बाजू को जाना चाहिए फिर बाद में हम आ सकते हैं पर जो बड़े जहाज नहीं हम जा सकते तो धर्म इज मोर लाइक अ डायरेक्शन देन अ पाथ इसलिए अगर उस परिस्थिति में भीम ने फैसला किया होता था भीम सबसे बड़े भाई होते भीम ने फैसला किया होता कि हम इसका प्रतिकार करना है तो ऐसे नहीं कि जरूरी वो गलत होता था पर यह अधिकांश संभावना हो सकती है कि क्योंकि न केवल भीम और युधिष्ठिर दोनों क्षत्रिय थे पर भीम जो थे क्षत्रिय थे और उनमें क्रोध करने की प्रवृत्ति ज्यादा थी और युधिष्ठिर जो थे वो क्षत्रिय थे पर उनमें शांति करने की प्रवृत्ति ज्यादा थी
अभी ऐसे नहीं है कि एक ही मार्ग सही है। तो जो क्रोध करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती थी वे चाहे भी जरूर से ज्यादा युद्ध करते थे। और जो युधिष्ठिर वो शायद जरूरत होने पर भी युद्ध न करे। तो इसीलिए वी वर्क विथ आवर नेचर बट नॉट फॉर आवर नेचर, कि हम हमारे प्रकृति के स्वभाव के साथ कार्य करते हैं पर स्वभाव के लिए कार्य नहीं करते। स्वभाव के लिए मतलब कि मुझे क्रोध आ गया है तो मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं शांति चाहता, मैं इससे झगड़ा जाता हूं शांति जाता हूं शांति रहता हूं, पर कभी कभी धर्म के लिए शांति छोड़ के आपको उसका सामना करना पड़ेगा और कभी कभी धर्म के लिए आपको क्रोध को दबाना पड़ेगा। तो अभी किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उसको दबा नहीं सकते पर हम स्वभाव के लिए कार्य नहीं कर सकते, स्वभाव के साथ कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन प्रश्न ये है कि आपने कमजोरी और क्रूरता के बारे में बताया तो दोनों भी घातक है किसी व्यक्ति के लिए। तो अगर हम धृतराष्ट्र के जीवन में अगर देखेंगे तो कमजोर था, कमजोर ये थी कि वह दुर्योधन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त था, लेकिन हम ये भी देखेंगे दूसरी बार कि उसके जीवन की जो कमजोरी जब चली गई उसके बाद वो अपने कमजोरी से बाहर निकला। लेकिन हमारे जीवन में जब जो कुछ कमजोरियां रहती है काम क्रोध लोभ वो हमारे इस शरीर के साथ जब तक हमारा ये शरीर है तब तक ये कमजोरियां हमारी रहने वाली है। तो हम कैसे समझे अब इसको कि धृतराष्ट्र के जीवन में से तो कमजोरी निकल गई इससे वो बाहर निकले तो हमारे जीवन से कमजोरियां निकली इसकी क्या गारंटी है ईश्वर बोल नहीं सकते, हम इसको कैसे समझे? अच्छा सवाल है कि धृतराष्ट्र की कमजोरियां तभी चली गई जब जो उस कमजोरी का उपयोग दुरुपयोग कर रहा दुरुपयोग उसके बाद में तो हम सब में कमजोरियां है काम क्रोध लोभ है पर वह तो आजीवन हमारे साथ रहता है शरीर में। हाँ पर जो हमारी कमजोरियां है उसको उत्तेजित करने वाली कुछ चीजें होती है या कुछ व्यक्ति होते हैं। क्या होते कुछ हम सब में शायद कुछ गॉसिप कहते हैं गॉसिप प्रजल बहुत प्रजल करने के भाव होते हैं। गॉसिप का मैंने बहुत अच्छी परिभाषा पढ़ी कुछ समय पहले, गॉसिप मीन्स व्हेन यू हियर समथिंग यू लाइक अबाउट समवन यू डोंट लाइक। जब ऐसा कुछ आप सुनते हो जो आपको अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा सुनना अच्छा ऐसे करता है ऐसे करता है लगा ही पहले से अच्छा व्यक्ति नहीं है पता चल गया मुझे, तो क्या होता है? तो हम सब में कुछ हद तक दूसरों के बारे में जिनको जिनको जो हमको अच्छे नहीं लगते हैं उनके बारे में कुछ बुरा सुनना अच्छा लगता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा ही बोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि दूसरे भक्तों के बारे में बुरा बोलना यही उनकी फुल टाइम सेवा है। जैसे ही उनके संग में आ गए तो पता है उसने क्या किया और कुछ बोलते नहीं है वो। तो अगर ऐसे होता है तो क्या होता है हमारे मन में कमजोरी है तो, पर वो व्यक्ति ने क्या है वो पूरा वैसे ही स्वभाव है। तो फिर हमें देखना चाहिए कि ऐसे ठीक है ऐसे व्यक्ति का हमें संग नहीं करें, दूर से हम हरी बोल बोल के उनसे दूर से ही संग कर सकते। तो हम हमारी कमजोरियों को तुरंत निकाल नहीं सकते हैं पर जो कमजोरी को चीजें या जो लोग उत्तेजित करते हैं उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं। अगर वैसा रहेंगे तो फिर हम संरक्षित कम से कम वो कमजोरियां बढ़ेगी और धीरे धीरे अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति शुद्धिकरण भी हो सकता है। धृतराष्ट्र से भी हम सीख सकते हैं कि धृतराष्ट्र हैव टू लूज एवरीथिंग बिफोर ही लॉस्ट द अटैचमेंट्स। सब कुछ खो दिया बाद में उन्होंने अपने आसक्ति को त्याग किया। तो हमें उस हद उतनी कीमत हमें देना जरूरी नहीं है, हम बुद्धि समझ जाएंगे
तो हम पहले भी उसका त्याग कर सकते हैं। तो एक है कि हमारे कम से कम अगर हम हमारे कमजोरी को तोड़ने छोड़ नहीं सकते हैं तो जो हम कमजोरी को उत्तेजित करते हैं उन चीजों से उन लोगों से दूर रह सकते हैं। और धीरे धीरे हम बुद्धि से अगर हम शुद्धक होते हैं, भक्ति करते हैं, तो कमजोरियों के परिणाम से। जो अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है उसका एक सेंटेंस में आंसर चाहिए। जो अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है उसका एक सेंटेंस में आंसर चाहिए। More important than asking why bad things happen to good people is asking when bad things happen to good people, what do good people know? कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, यह सवाल पूछने से अधिक empowering, अधिक शक्ति प्रदान करने वाला सवाल है कि अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वो करते क्या? क्योंकि एक तरह से यह सबके साथ हो रहा है। और अभी सब कोई भी अच्छा हो बुरा हो, हम मान लीजिए कि हम सब अच्छे लोग हैं, कम से कम इस जीवन में हम ज्यादा बहुत ज्यादा बुरी चीजें कुछ नहीं की है, पर सबके साथ बुरा होता है। तो हमारे पास दो ही पर्याय हैं। एक है कि ये दुनिया ही बुरी है, दिस वर्ल्ड इज अ टेरिबल प्लेस, और यहाँ पे सबके साथ यहाँ पे अन्याय होता है, और जीवन में कुछ मतलब ही नहीं है। और यह जो निष्कर्ष है बहुत निराशावादी है। एक नास्तिक तत्वज्ञान ने कहा, उसने कहा कि आपका सबसे अच्छा भाग्य क्या है कि आपका जन्म ही न हो। उससे दूसरा अच्छा भाग क्या है कि जन्म होते ही आप कोई गर्भपात करें। तीसरा अच्छा भाग्य है कि आप बचपन में मर जाओ, और आपका बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लंबा आयु जियो। तो ये क्या है, बड़ा निराशाजनक भाव है। तो एक पर्याय हो सकता है कि जब हमारी योग्य बुरे की चुनौतियां होती है तो ये दुनिया ही अन्यायपूर्ण है। दूसरा भाव यह हो सकता है कि ठीक है, ये क्यों हुआ मुझे पता नहीं है, पर अभी मैं क्या कर सकता। आजकल सबको बड़ा भय होता है कि किसी को कैंसर न हो जाए। क्या अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, पर कैंसर बहुत खतरनाक है। बहुत से कैंसर होते हैं जिससे कि आपको कोई क्योर भी नहीं होता। तो कई ऐसे कैंसर है उनका कारण भी पता नहीं चलता। तो जब मान लीजिए कि जो पता चला कैंसर हो गया, तो एक तरह से हमको क्यों हमें ये स्वाभाविक सवाल है आना, पर हम तुरंत अगर डॉक्टर हमको बोले आप कैंसर हो गए तो अगला सवाल हम पूछेंगे इज इट क्योरेबल, क्या इसकी कोई दवाई है, क्या इसका कोई इलाज है। मतलब क्या है, हम पहला ये क्यों हुआ। अधिकांश डॉक्टर बोले पता नहीं कि पॉल्यूशन से होता है, इससे होता है, पता नहीं हो गया। तो जब भी तो साधारणतः हमारे जीवन में कैसे जीते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उसका कुछ परिणाम होता है। यह भाव के साथ ही हम जीते हैं कि एक्शंस हैव रिजल्ट्स, कॉजेज हैव इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स मस्ट हैव कॉजेज। यह एजम्पशन, यह संकल्पना के साथ हम जीते हैं। और जब हम कैंसर हो जाता है तो फिर हमको ये जो कॉज इफेक्ट है वो समझ में नहीं आता, मैंने क्या किया जिससे यह कैंसर हो पता नहीं। पर जब हमको ऐसा कोई हमारे जीवन परिस्थिति आती है कि उसका कारण क्या है ये पता नहीं है, तो हम कॉज इफेक्ट पे विश्वास छोड़ नहीं देते। जब हम पूछ रहे डॉक्टर को कि क्या इसका कोई इलाज है,
मतलब अभी भी मेरा कॉज इफेक्ट पे विश्वास है, कारण और उस कोई चीज और उसकी कोई उसका परिणाम उस पर विश्वास है मुझे, ठीक है। ये क्यों हो मैं पता नहीं है, पर क्या मैं कोई दवाई ले सकता हूँ, क्या मैं कोई इलाज ले सकता हूँ जिससे कि अभी मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं कम से कम इसको नियंत्रण कर सकता हूँ। तो इसलिए ये इस जगत में दुख क्यों आते हैं, बुरे चीजें क्यों होते हैं, यह हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, पर यह कभी कभी समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्या है कि हर एक चीज का कारण हम और ऊंचे ऊंचे स्तर पर ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको बोल रहा हूं और अचानक ये माइक से आवाज नहीं आ, तो फिर मैं देखूंगा कि क्या ये माइक का बटन ऑफ हो गया, ये एक कारण हो सकता है इसका माइक बंद हो गया, या फिर ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे साउंड सिस्टम किसी गलती से बंद कर दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि माइक खराब हो गया है, या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारा पावर सप्लाई चला गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भारत पे किसी आतंकवादी ने आक्रमण कर दिया है और भारत का जो नासिक का पावर सप्लाई है पावर प्लांट टूट गया है, या ऐसे भी हो सकता है कि सूर्य से रोशनी के फ्लेयर तेजी से भारत के पृथ्वी के वातावरण में आ गई है, और अगर ऐसे सोलर फ्लेयर आ गई तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरे विश्व के सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बंद हो जाए। तो 2016 में 2014 में ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के लगभग 10 किलोमीटर पास में वो फ्लेयर आके चला गया, तो कहते हैं लगभग 100 साल में एक बार आता है। तो मतलब यहाँ पे ये बंद हो गया, इसका कारण समझने के लिए आपको सूरज तक जाना पड़ सकता है। तो कभी कभी क्या कह रहे हैं, वी लिव इन मेनी नेस्टेड लूप्स। तो एक कारण और कॉज इफेक्ट का क्या शब्द होगा, कारण और परिणाम, ठीक है, कारण और परिणाम का एक नेटवर्क है, बॉक्स है। तो ये बंद हो गए इसलिए आवाज नहीं आ रही, ये सिंपल है, पर ये इसको विस्तार और बड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो अभी कौन सा कारण कब कब लग रहा है हमको पता नहीं, तो कभी कभी हमारे कुछ बुरा हो जाता है, तो शायद मैंने उसको कुछ किया था, उसका गुस्सा हो गया मुझ पर, ऐसे हो सकता है। तो वो ये एक समझ गया कि मैंने उसके लिए ऐसा किया था, इसने मैंने इस प्रकार किया, पर वो पता नहीं है तो क्या उससे और बड़ा होगा, क्या बड़ा है क्या है कि ये व्यक्ति, ये मैं जिस देश से आता हूँ या मैं जिस प्रांत से आता हूँ, मैं जिस जाति से आता हूँ, उसके प्रति इस व्यक्ति की घृणा है, इसलिए मेरे साथ ऐसे कार्य कर रहा है, या वो एक उससे बड़ा सर्कल हो सकता है, या उससे बड़ा सर्कल हो सकता है कि क्या है कि मैंने शायद पिछले जन्म में कुछ कार्य किया है, कुछ कर्म किया है, उसका फल मिल रहा है। तो क्या है ये, इसके सर्कल को हम और बड़ा 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 कर जाते हैं। तो कौन से सर्कल में फिट, इंटेलिजेंस मीन्स टू प्लेस इवेंट्स इन आवर लाइफ इन द मोस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉजल बॉक्स। कि बुद्धि का मतलब है कि कौन से कारण और उसका परिणाम के रचना में ये घटना मुझे डालनी है, वह समझना। तो कभी कभी हमें समझ भी नहीं आता है, तो शास्त्र बताते हैं कि अगर हमें हमारी बुद्धि से समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उसका कारण हो सकता है शायद पिछले जन्म में कुछ कर्म हो सकते हैं, पता नहीं है हमें। तो हमें देखना क्या है कि अभी मैं आगे कैसे बढ़ सकता। तो ये एक वैज्ञानिक साइकोलॉजी के स्तर पर भी है, ये बताया गया है कि अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों के जीवन में समान समस्या है, तो एक व्यक्ति उस समस्या के प्रति बड़ी घृणा करता है और हमेशा उसके बारे शिकायत करते रहता है और फिर उस समस्या से जीता है, और दूसरा व्यक्ति ठीक है समस्या आ गई है उसको स्वीकार कर लेता है और उससे सामना करने का प्रयास करता है। तो भले ही दोनों भी उस समस्या का हल न कर पाए, भले ही दोनों ही उस समस्या का कारण न समझ पाए, पर जो दूसरा व्यक्ति होता है वह उस समस्या में भी तुलनात्मक रूप में कम दुखी रहता है। तो इसलिए व्हाट डू गुड पीपल डू व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू देम,
यह सवाल पूछना अगर हम देखेंगे तो शास्त्रों में हमको अलग अलग जवाब मिलते हैं, किस तरह से परीक्षित महाराज ने सामना किया, किस तरह से पांडव ने सामना किया। तो प्रभु श्री रामचंद्र तो भगवान है, उनका क्या बुरा कर्म हो सकता है, और उनको भी वनवास जाना पड़ा। इसलिए व्हाट डू गुड पीपल डू व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू देम, अच्छे लोग क्या करते जब बुरा चीज होता है, यह सवाल पूछना सबसे ज्यादा एम्पावरिंग, सबसे ज्यादा हमको शक्ति और बुद्धि प्रदान कर सकता है। इसलिए बता है ना कि अगर किसी के माता पिता बचपन में गुजर गए तो उसे जाके बोलेगा आपका पूर्व कर्म कारण ऐसे हुआ है। शास्त्रों में मैंने एक भी बार ऐसा प्रसंग नहीं देखा है कोई व्यक्ति बड़ा दुख में है और दूसरे लोगों को जाके बोले तुम्हारे पूर्व कर्म के कारण हुआ है, कोई भी ऐसे नहीं है। जब द्रौपदी का अपमान होता है कोई उसे नहीं कहता तुमने बुरा कर्म किया, सीता का अपहरण होता है कोई नहीं कहता कि तुमने बुरा कर्म किया। यह व्यक्ति जब खुद दुख में हो सकता है तब कह सकता है शायद मैंने कोई बुरा कर्म किया होगा जिसके कारण मेरे जीवन में ऐसा। जब दूसरा जब ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति किसी परेशानी में है तो बाकी सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको मदद करे, और कभी कभी ज्ञान देने से भी मदद हो सकता है और कर्म का ज्ञान देने से किसी को मदद हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मदद होगा, पर जरूरी नहीं है कि मदद नहीं भी होगा। हमें क्या है कि उस समय यह देखना है कि इस व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं। तो अभी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया तो ऐसे बताया गया युधिष्ठिर महाराज ने एक बड़ी मात्रा में, क्योंकि बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे तो उनके लिए बहुत से अच्छे अनाथ आश्रम बनाए कि यहाँ पे उनका देखभाल हो सके, उनके परिवारों ने उनको दत्तक ले लिया। तो अगर ऐसे हुआ है तो हमें यही बोला कि तुम्हारा कर्म था इसका तुम्हारे साथ हो गया। तो उस समय में देखना है कि मेरा धर्म क्या है, क्या मुझे इस समय इस व्यक्ति को इस परिस्थिति में कुछ मदद कर सकता हूँ और कैसे मदद कर सकता हूँ। और एक मदद हो सकती है कभी कभी कि किसी को ज्ञान देने में। अभी कई बार लोग बीमार होते हैं तो उनको सांत्वना लगती है, इमोशनली ब्रेक डाउन जाती है बीमारी बहुत कंप्लीट हो, तो फिर कभी कभी उनको तभी अगर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं उसमें कर्म का ज्ञान देते तो मदद होती है, कभी कभी मदद नहीं होती है। तो हमें उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे मैं शक्ति को मदद कर सकता हूँ, और अगर कर्म के ज्ञान से मदद होती है तो बोलना है। ऐसे नहीं है कि कर्म का ज्ञान इसलिए बोलना है कि ठीक है तुम जो भुगत रहे हो तुम्हारे कर्म का फल मिल रहा है, वो भाव नहीं है। व्यक्ति का मदद करने का भाव है हमेशा। कर्ण का सवाल काफी बड़ा है, दो चीजें मैं तुम बता दूंगा। कर्ण के साथ देखो, कर्ण के साथ बुरा हुआ कि उसको क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था पर उसको क्षत्रिय का आदर नहीं मिला। मैंने बताया कि कर्ण के साथ ही उसे बुरा नहीं हुआ, पांडव के साथ बुरा हुआ था, पांडव का भी राज परिवार में जन्म हुआ था पर हम जिंदगी पर पांडवों की मृत्यु के पर पड़ा हुआ था। पांडवों का पूरे जीवन में कर्ण को किसी ने जहर देने का प्रयास नहीं किया, पूरे जीवन में किसी ने कर्ण को जलाने का प्रयास नहीं किया, पूरे जीवन में कर्ण के पत्नी को किसी का किसी ने उनका उनकी बेइज्जती नहीं करने का प्रयास किया। तो बुरी चीजें जगत से सबके साथ होती है, अगर तुलनात्मक रूप देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि पांडवों के साथ कर्ण से ज्यादा बुरी चीज हुई, पर कर्ण जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उसके जीवन में जो क्षत्रिय का आदर्श है था वो उसको नहीं मिल पाया, तो वो असत्य है, दुर्भाग्य की बात है। एक तरह से शास्त्र में बताया गया है कि कर्ण पूर्वजन्म में एक असुर था सहस्र कवच नाम का, उसके 1000 कवच थे, 999 कवच विष्णु ने इतना नारायण ऋषि तोड़ दिए थे पर एक कवच बच गया था। तो वो एक कवच के साथ सूर्य की शरणागति ले ली, तो सूर्य ने उसको वो जब वो आया था तो कुंती को प्रदान किया। तो उसके पूर्वजन्म की कहानी है, तो उस पहलू हम देख सकते हैं कर्ण के साथ ऐसे क्यों, क्योंकि उसने सूर्य का संग किया था इसलिए कुछ दैवी गुण थे उसमें, पर उसके पहले वो असुर था तो इसलिए असुरी प्रवृत्ति भी थी उसमें।
तो दोनों असली प्रवृत्ति और दैवी गुण भी थे। तो दैवी गुण के कारण तो दानवीर था, साहसी था, पर असली प्रवृत्ति के कारण वह दुर्योधन के संग में फंस गया। और फिर दुर्योधन के संग में फंस के वो दुर्योधन जैसे ही बन गया कृष्ण। कर्ण ने ही उकसाया दुर्योधन को कि आप द्रौपदी का वस्त्र ग्रहण कर लो। तो कर्ण ने काफी बुरी चीजें भी की है। वैसे कहते हैं कि hurt people, जो लोगों को दर्द हुआ है उन दूसरों को दर्द करते हैं। और जब दर्द हो जाता है तो हमें हमारे बुद्धि से कार्य करना चाहिए, ना कि उसको मात्रा को भूल के कुछ भौतिक घृणास्पद कार्य करना चाहिए। तो सबको सबके साथ बुरी चीजें होती है, कर्ण के साथ बुरी चीजें हुई, पर कर्ण के साथ बुरी चीजें हुई, कर्ण ने बुरे चुनाव भी किए और दुर्योधन के पक्ष में बार बार चुनता रहा। अंत में भी मौका दिया नहीं स्वीकार किया, इस कारण फिर कर्ण का अंत में विनाश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमान। शिवा चेतन चंडू की।